नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात खत्म हो गई है। इस बैठक में नीतीश और केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया और मंत्री संजय झा भी मौजूद रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। करीब पौना घंटा या एक घंटे ये बैठक चली है। अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तस्वीरें आ गई हैं, तस्वीरें भी आप देख लीजिए कि किस तरह से एक्सप्रेशंस हैं, वो तो काफी कुछ कह रहे हैं। काफी खुशी है दोनों के ही चेहरों पर, जो साफ तौर पर देखी जा सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री झंडा लेकर कई मंत्रियों से इससे पहले मुलाकात भी कर चुके हैं, कई वरिष्ठ नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है। और तरुण इस मुलाकात को लेकर ज्यादा जानकारी देंगे, मेरे सहयोगी तरुण। बताइए, मुलाकात हुई, क्या बात हुई? तरुण, आपको आवाज मिल रही है? तो तरुण, मेरे सहयोगी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, उनसे डिटेल हम लेंगे जैसे ही फोन कनेक्ट होता है। लेकिन ये बड़ी खबर है इस वक्त की। अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और इससे पहले वो सीताराम येचुरी से मुलाकात कर चुके हैं। डी राजा से भी नीतीश कुमार ने मुलाकात की है, और आज के कार्यक्रम के मुताबिक तीसरी ये मुलाकात है, ये मुलाकात की गई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। शरद पवार से भी मिलने का कार्यक्रम है। तरुण, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी मुझे आवाज आ रही है जी। तरुण, मुलाकात हुई, क्या बात हुई, क्या मायने? देखिए, माना तो यही जा रहा था, नीतीश कुमार जिन भी नेताओं के साथ मिल रहे हैं, विपक्षी नेताओं के साथ जो बैठक हुई है, उसके बाद उनका मीडिया बाइट हुआ है, उनका बयान सामने आया है। लेकिन यहाँ की बैठक जो करीबन डेढ़ घंटा चली है, इस बैठक के बाद नीतीश कुमार सीधा निकल लिए और उन्होंने मीडिया से इंटरेक्शन नहीं किया, मीडिया को कोई बयान नहीं दिया। एक मीडिया का जाहिर सा सवाल था कि ये किस मकसद से बैठक हुई है और क्या माना जाए 2024 के चुनाव के मद्देनजर विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए कौन सा चेहरा मुफीद है, नीतीश कुमार या फिर पीएम अरविंद केजरीवाल। तो इन सवालों से मेरे ख्याल से बचना चाह रहे थे नीतीश कुमार, या हो सकता है कि आज कुछ उनकी महत्वपूर्ण बैठक गुरुग्राम के अंदर ओपी चौटाला के साथ भी होने जा रही है, लिहाजा वो उस बैठक के लिए सीधा यहाँ से निकल गए हैं। और कल बताया जा रहा है कि शरद पवार और अखिलेश यादव के साथ भी नीतीश कुमार की महत्वपूर्ण बैठक है। कुल मिलाकर ये बैठक 2024 के चुनाव के मद्देनजर नेशनल लेवल के ऊपर किस तरह से पार्टियों को एकजुट किया जा सकता है ताकि बीजेपी को मजबूत चुनौती दी जा सके, महागठबंधन की महाकवायद के मद्देनजर नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर थे, जिनका दूसरा दिन था। ठीक है तरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।